वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मोल्टन मैन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मोल्टन मैन कैसा है और इसके एबिलिटी और स्किल्स कैसी है वो सब यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम पास किए जल्दी शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन या किसी भी रैंकिंग के लिए मैं गेम नहीं खेलता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्या कितने रैंकिंग पे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है जज करना बंद कर दो। अपने आप को देखो, आप क्या कर रहे हो वो ध्यान देखो, तो वो देखना ज़रूरी है। और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं AI ऑन कर देता हूँ और इसका मोल्टन मैन का स्किल प्रीव्यू चालू कर देता हूँ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। स्किल 5 में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। और एनिमेशन है इसके अंदर, पास आई फ्रेम है और बाइंड है, फियर है और स्टन है। फियर 4 सेकंड का है जो कि एनिमीज के ऊपर अटैक करने में काफ़ी मदद करेगा और काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे में सेल्फ है, ऑल अटैक बाय 20% और 1% का। उसके बाद में क्रिटिकल है 20%, रिमूव इनकैप्सुलेशन 7 सेकंड्स का, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फायर रेसिस्ट 30% 4 सेकंड के लिए, ये भी अच्छी चीज़ है। और इसका जो अटैक करने का तरीका है और इसकी जो रनिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पर देखने से। दो और एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है, आई फ्रेम में जा रहा है, थोड़ा एनिमेशन थोड़ा अजीब है लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया है बहुत ही ऑसम है। उसके बाद में स्किल नंबर फोर में यहाँ पर बाइंड है 2 सेकंड का। उसके बाद में स्किल एनिमेशन और आई फ्रेम इसके पास में है, तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आई फ्रेम एक्टिवेट हो रहा है। अच्छी तरीके से लावा ये निकाल रहा है, तो मुझे ये इसका जो लावा निकालने का तरीका लगा वो काफ़ी अच्छा है। बाइंड है 2 सेकंड का। उसके बाद में डील 20% बर्न डैमेज 1 सेकंड का, 5 सेकंड के लिए स्टन इम्यूनिटी 1 सेकंड के लिए। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा तरीके से स्किल यूज़ कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा है ये। स्किल 4 तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में स्किल 3 ये देखते हैं। स्किल 3 में यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है इसने, जैसे कोई सिमवर्ड्स करता है सेम उसी तरीके से। यहाँ पर इंक्रीज कैरेक्टर साइज़ में 15% 30% और ऑल डिफेंस है यहाँ पर 30% के लिए सेल्फ है। उसके बाद में सुपर आर्मर ऑल डिफेंस है 15%, जैसे जेंगर की इसमें भी था सेम ऐसी इस किस में दिया हुआ है सुपर आर्मर ऑल डिफेंस। उसके बाद में यहाँ पर स्किल 2 चेक करता हूँ मैं। स्किल 2 में यहाँ पर कुछ खास डिफेंस सिस्टम या आई फ्रेम नहीं है, फिर भी ठीक है। और इसके अंदर स्किल 2 के अंदर इफेक्ट देख ले हम लोग, पैरालिसिस है, स्टन इम्यूनिटी है और बाकी यहाँ पर दिया हुआ है। और डिक्रीज फायर रेसिस्ट 30% माइनस और 4 सेकंड के लिए एनिमीज के ऊपर, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। एनिमीज काफ़ी देर तक यहाँ पर उसके इफेक्ट में फंसे हुए तो वो दिख रहा है यहाँ पर। स्किल 1 देखते हैं। स्किल 1 में यहाँ पर बाइंड है, स्टन इम्यूनिटी है 1 सेकंड के लिए और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में। इसका जो बड़ा वाला हाथ है एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला, उससे ही अटैक कर रहा है स्किल 1 से, तो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा अजीब है लेकिन जैसा भी है ठीक ठाक है। कुछ थ्रो कर रहा है इसके ऊपर, मेरे ख्याल से फायर या फायर टाइप का कुछ अटैक कर रहा है, ठीक है। तो मोल्टन मैन काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लग रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड टर्नामेंट बैटल में कैसा परफॉर्मेंस है और ये किस टाइप का कैरेक्टर हो सकता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से टर्नामेंट बैटल में थोड़ा खास परफॉर्मेंस दिखाया गया है क्योंकि इसके स्किल 5 में आई फ्रेम है और जिस तरीके से डैमेज कर रहा है, फियर है, फ्रैक्चर है, और उस तरीके से देख रहा है कि काफ़ी अच्छा तरीके से ये यूज़ होने वाला है, तो अच्छा कैरेक्टर है। कोई बुराई मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही और इसे हासिल करने का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, हाउ टू गेट मोल्टन एंड हाउ टू गेट हैड्रोमैन, वो वीडियो दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना और मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। और इसको मैं दूसरी डिटेल्स देता हूँ आपको कि इसका TLT और पैसिव क्या है। इसे मैं कर देता हूँ 70 और ये 70 कर दिया मैंने। इसके बाद में इसके पास 45 इंक्रीज ऑल डिफेंस है, डिफेंस के जगह पे अगर अटैक सिस्टम होता तो और ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पर बाकी के मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में ये पैसिव है इसका फ्लेम टाइप कैरेक्टर, 70% चांस टू इम्यूनिटी टू फायर डैमेज। उसके बाद में लोकेशन इसका देख लेते हैं, कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा। ये आपको फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अलायंस में जाना है, अलायंस स्टोर में जाना है, वहाँ से आपको बायोमेट्रिक्स मिलेगा 110 टोकन में। वहाँ से आपको जो बायोमेट्रिक्स मिलेगी उस बायोमेट्रिक का यूज़ करके आप इसे मोल्टन को हासिल कर सकते हो। दूसरा एक चीज़, आपको डेली 8 फ्री बायोमेट्रिक्स मिलते हैं तो उसका भी आप लोग यूज़ करके इस कैरेक्टर को हासिल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आराम से फ्री कैरेक्टर है, आराम से मिल जाएगा, किसी को कोई भी जल्दबाजी या कोई भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी क्रिस्टल स्पेंड नहीं करना, जैसे कि वो उस पैकेजेस में मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल, जैसे कि एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर अपग्रेड में जाऊँगे तो यहाँ पर आपको कुछ पैकेजेस दिखेंगे 2050 क्रिस्टल के, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, टच नहीं करना है। अगर टच किया तो आपके 2050 क्रिस्टल गए समझो, इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी इसे टच ना करें और बिल्कुल भी वहाँ से परचेस करने की कोशिश ना करें। यह एक फ्री कैरेक्टर है, क्रिस्टल स्पेंड करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ जाकर इसका पे थैंक यू। एंड हैड्रोमैन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो है तो वो जाके देख लेना, एंड शेयर करना मत भूलना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि न्यू प्लेयर्स को ये पता नहीं है तो न्यू प्लेयर्स तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो क्रिस्टल स्पेंड कर लेंगे। उनको ये बात शेयर करना, उन तक ये पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।